आज हमारे यहाँ बाजार का दिन था, इसलिए पापा ने गर्मा गर्म जलेबी लाई थी। जलेबी खाकर मैं लग गया अपने दुकान के काम पर। आज मेरे फ्रिज में पानी बोतल पूरी तरीके से खाली हो चुकी थी। वैसे कुछ दिनों पहले मैंने मार्केट से करीब 50 पानी बोतल के बक्से खरीद के लाए थे, जिसमें से अभी सिर्फ 15 से 20 बचे हुए हैं। बहुत सारे लोग कमेंट करके पूछ रहे थे कि गाँव में इतने सारे पानी बोतल खरीदेगा कौन। तो दोस्तों, गाँव में किसी के घर शादी हो या फिर कहीं पर कोई फंक्शन हो तो वहाँ पर मेहमान तो शहर से आए थे, ऐसे में पानी की बोतल आराम से बिक जाती है। फिर फ्रिज में पानी बोतल लगाने के बाद मैं निकल पड़ता हूँ शहर की तरफ। वैसे शहर में जाते मैं सबसे पहले इस वाली दुकान पर पहुंच जाता हूँ, जो कि बहुत ही बड़ी थी। वैसे इस दुकान में इतना सारा सामान था कि इसमें से मैं क्या लूँ और क्या नहीं, इसे सोच विचार में मैं पड़ गया। घर से मैंने एक लिस्ट बना के लाई थी, जिससे सबसे मैंने यहाँ से कुछ कुछ सामान खरीद लिया, जिसका बिल करीब 26 रुपए आया था। फिर दुकान वाले भाई को 26 रुपए देने के बाद मैं दूसरी दुकान पर चला जाता हूँ, जहाँ पर पहुंचते ही मुझे इतने सारे पैसे दिख जाते हैं। लेकिन जब तक मैं खुश पाता तब तक मुझे पता चल जाता है कि ये सारे तो नकली पैसे थे। फिर पैसों को एक साइड में रखकर मैं अपनी दुकान के लिए इस बड़ी सी दुकान से कुछ कुछ सामान खरीद लेता हूँ।